खबर इंदौर से बता दें, बीजेपी पार्षद ने सफाई कर्मी महिला से मारपीट की है, तो संदीप चौहान ने सफाई कर्मी को चाटा जड़ दिया। राव नगर परिषद से पार्षद है आपको बता दें संदीप चौहान, और ड्यूटी के दौरान महिला सफाई कर्मी पर ये दबाव बना रहे थे। दबाव किस बात का था ये भी बता दें, तो वीडियो कॉल पर हाजिरी लगाने का ये दबाव बना रहे थे। तो ये बड़ी खबर, सफाई कर्मी ने वीडियो कॉल पर हाजिरी लगाने से इनकार कर दिया और उसके बाद गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने बीजेपी पार्षद की पिटाई की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं बस्तर न्यूज पर, इंदौर से इस वक्त ये बड़ी खबर है। तो गुस्साए ये सफाई कर्मचारी आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बीजेपी पार्षद की अब पिटाई कर दी है। तो ये पार्षद सफाई कर्मी से वीडियो कॉल पर हाजिरी लगाने के लिए दबाव बना रहे थे, उसने इनकार किया, उसके बाद ये तस्वीर सामने निकल कर आई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, ये सफाई कर्मचारी है जो बीजेपी पार्षद की पिटाई के लिए पहुंचे हैं। अब इसी खबर पर अखिलेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अखिलेश, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे, लेकिन एक बड़ा सवाल कि अगर पार्षद है तो क्या ये अधिकार मिल जाता है कि आप दबाव बनाएंगे और फिर इस तरीके से चाटा जड़ देंगे? बिल्कुल ऋतु, कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से जो बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो पार्षद है, उन्होंने कहीं ना कहीं पर गुंडाई पर उतर आया है, और उसके साथ ही जो सफाई कर्मचारी है जो 24 घंटे एक जैसा काम कर रहे हैं और शहर को स्वच्छ बनाने में एक अहम सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ अगर इस तरह की मारपीट या फिर उनके साथ अभद्रता की जाती है तो कहीं ना कहीं पर जो सरकार है उस पर भी बद्दा लगते हुए दिखाई देता। तो कहीं ना कहीं पर कहा जा सकता है जिस प्रकार जो महिला कर्मचारी वो रोज की तरह गणेश विहार कॉलोनी में 12-13 में काम करने के लिए पहुंचे थे, और उसी दौरान जो भाजपा पार्षद है संदीप चौहान, उसने उसके पास कॉल किया और उसके बाद जो पूछा गया था कि क्या आप वहाँ पर पहुँच गए हो, तो महिला ने भी जवाब दिया था कि हाँ मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। उसके बाद जो पार्षद है वो वीडियो कॉल पर हाजिरी लगाने की बात कह रहा था, इस बात पर जो महिला है उसने इनकार कर दिया, और उसके बाद जो पार्षद 23 में आया और उसने महिला कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी। इसका जब जानकारी अन्य जो कर्मचारी है उन्हें लगी तो एक थाने में आवेदन दिया गया, शिकायती आवेदन दिया गया, और उसके बाद पुलिस ने जब भाजपा पार्षद और सफाई कर्मचारियों को थाने बुलाया तो उसी दौरान इन लोगों के बीच में कहासुनी हुई और बातचीत बढ़ गई। बुलाया था, कहासुनी देखने को मिली है, नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका तमाम बातचीत के लिए।